पेट बोटल फिलिंग प्लांट की। निमेटिक पेट बोटल फिलिंग प्लांट का एक्चुअल डिस्क्रिप्शन में एक ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में निमेटिक प्लांट क्यों लेना चाहिए और एक रेगुलर प्लांट से निमेटिक प्लांट के अंदर क्या बेस्ट एडवांटेज और क्या बेस्ट फीचर होता है। और इस तरह का मशीन इंडिया में कोई भी कंपनी बनाती है तो कस्टमर को इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो इंडिया में किसी भी कंपनी से निमेटिक प्लांट बनाता है वो उससे परचेस कर सकता है। क्यों परचेस कर सकता है, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि ताकि कस्टमर का पैसा सही जगह सही प्लांट के अंदर इन्वेस्ट हो। हमारा मेन रीज़न है कस्टमर का पैसा सही जगह सही कंपनी में इन्वेस्ट होना। तो आज अपन बात करते हैं वही निमेटिक पेट बोटल फिलिंग प्लांट की, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताने का कोशिश करूंगा कि आपका सोडा पेट बोटल किस तरह का होना चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहती है, किस तरह से फिलिंग होता है और क्या एक्चुअली इसका बेस्ट एडवांटेज है। सो अपन वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर चीज़ बता देता हूँ कि इस प्लांट को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगता है और ये कैसे वर्क करता है। इस मशीन के अंदर आपका एक हेड से लेके चार हेड, छह हेड और आठ हेड तक का मशीन हम बनाते हैं। जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसके बजट के अकॉर्डिंग वो इस तरह का प्लांट ले सकता है। तो अपन बात करते हैं अभी न्यूमेटिक सोडा फिलिंग प्लांट की। तो इसके अंदर क्या क्या लगता है प्लांट को स्टार्ट करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्लांट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो लगता है, जो कस्टमर को अरेंज करना पड़ता है, वो है आपका आरओ प्लांट। आरओ प्लांट आपके प्लांट के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। मिनिमम 100 LPS से लेके 500 और 1000 LPS तक का प्लांट ले सकते हैं। उसके बाद आता है, हम जो सजेस्ट करते हैं, आपका चिलर प्लांट। ये इस तरह का चिलर प्लांट कस्टमर ले सकता है जो ऑफलाइन हम सजेस्ट करते हैं। इसके अंदर आपका मिनिमम प्लांट के अकॉर्डिंगली 200 लीटर, 300 लीटर और 500 लीटर तक का चिलर प्लांट कस्टमर ले सकता है। उसके अकॉर्डिंगली प्राइस इसका कस्टमाइज होता है। उसके बाद आता है आपका कार्बोनेट सिस्टम। कार्बोनेट सिस्टम के अंदर भी कस्टमर काफी कंफ्यूजन रहता है कि मुझे 6 फीट का कार्बोनेट लेना चाहिए, 3 फीट का लेना चाहिए या फिर उसको 4 फीट का लेना चाहिए। आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कार्बोनेट सेलेक्ट करते हैं, ये आपका चॉइस है। आप कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेके कि आपको किस तरह का आपको कार्बोनेट लेने की जरूरत है। अगर आपका प्रोडक्शन आउटपुट 40 BPM, 60 BPM का 1 मिनट के अंदर है तो आपको बड़ा कार्बोनेट लेने की जरूरत है। बाकी कम आपका प्रोडक्शन आउटपुट कम है तो आप छोटे कार्बोनेट से भी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो। हम सभी तरह के कार्बोनेट बनाते हैं ताकि आपको कस्टमर को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये 3 फीट का कार्बोनेट है और एक 4 फीट का कार्बोनेट है, इसमें 6 फीट का कार्बोनेट भी हम कस्टमर को बना के देते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। उसके साथ जो अटैचमेंट में लगता है आपको इस तरह का एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, कार्बोनेट, चिलर प्लांट और लास्ट में आता है आपका न्यूमेटिक 4 हेड का फिलिंग यूनिट जो मैनुअल कैपर के साथ इसके अंदर दिया हुआ है। ये कैसे वर्क करता है, इसका फिलिंग एक्चुअल में क्या होता है और ये इसका जो बेस्ट फीचर होता है आपके बॉटल को वैक्यूम एयरटाइट फिलिंग करने का, जिससे आपकी सोडा की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करता है और क्या इसका फंक्शन है। मैंने सभी अटैचमेंट दे दिए मशीन के अंदर, अभी मैं आपको इसका केवल फिलिंग सिस्टम दिखाता हूँ कि कैसे फिल करता है और ये कैसे वर्क करता है। ये मशीन दो तरह से वर्क करता है, एक ऑटो मोड में और एक मैनुअल मोड में। मैं आपको पहले ऑटो मोड में दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं मैनुअल मोड में मशीन का फंक्शन दिखा देता हूँ। मशीन ऑफ है, मैं मशीन ऑन किया, मशीन ऑन हो चुका है। मशीन ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मशीन को ऑटो मैनुअल मोड पे चलाने का है। मशीन को ऑटो मोड पे चलाना है तो ये बटन प्रेस करना है, सोडा के लिए ये बटन है, सिरप और ये टाइमर सिस्टम को ऑन करने का बटन है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका कैपिंग सिस्टम। अभी मैं मशीन ऑन हो चुका है, कम्प्लीटली ऑन हो चुका है मशीन। अभी इसके अंदर पूरा का पूरा हेड अप है, मैं इस मशीन को पहले ऑटो मोड पे ऑन करता हूँ जिससे आपका पूरा हेड डाउन हो गया और पूरा अप हो गया। अभी मैं इसको फिलिंग करा के दिखाता हूँ ऑटो मोड पे, ऑटो मोड पे कैसे वर्क करता है। मैंने सिरप का अटैचमेंट अभी पानी को लिया, मशीन खराब हो जाए इसलिए मैंने पानी यूज़ किया है सिरप की जगह। और मैं अभी सिरप का
बटन ऑन करता हूँ और मैं सोडा आपका ऑन करता हूँ। इसके बाद अभी मैं ऑटो मोड पे इस मशीन को ऑपरेट करा के दिखाता हूँ कि कैसे ऑटो मोड पे ये वर्क करती है और ये वैक्यूम कैसे करती है। इसमें एक वैक्यूम का पाइप है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो पाइप है आपका, ये बॉटल की वैक्यूम करता है और इसके एयर को रिलीज करके इसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। अभी मैं इस मशीन को ऑटो मोड पे स्टार्ट करता हूँ। ऑटो बटन दबाने से आपका हेड नीचे डाउन आता है, ये वन बाय वन डाउन आएगा और इसके बाद ये इसका फिलिंग हो रहा है। ये पूरा ऑटो फंक्शन है, आप इसको ऑटो फंक्शन में जस्ट आपको ऐसे बोतल को चेंज करते रहना है। और इसका बोतल फिलिंग जो आपको चेक करना है कि भाई एक बोतल के अंदर आपका फर्स्ट बोतल कितने टाइम में आपका डाउन हुआ वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह का ऑटो फंक्शन पे वर्क करता है। मैं इस मशीन को अभी ऑफ कर लेता हूँ। ये इस तरह से ऑटो फंक्शन के ऊपर वर्क करता है। इस मशीन को मैनुअल पे ऑपरेट करना है तो आप मैनुअल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअल के यहाँ पे लिए आपको बटन दिया हुआ है। तो ये इस तरह का ऑटो फंक्शन है। इसके अंदर बोतल को आपको केप करना है तो मैं इस बोतल को भी डाउन करूँगा। ये मैनुअल पे ऑन किया, मैं डाउन किया, डाउन करने से आपका बोतल मेरे हाथ में आ चुका है। बोतल को इस तरह से कैप करने का, इसे कैप किया और बोतल को ऑन करके इस तरह से आप कैप कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपका, इस तरह से कम्प्लीट आपका बोतल हो चुका है। इसके अंदर सबसे बोतल बेस्ट फीचर है आपका बोतल कम्प्लीटली एयर टाइट फिलिंग हुआ है, जिससे आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी ज़्यादा मेंटेन रहती है। आपका बोतल जो मार्केट के अंदर कहीं कम मशीन्स ऐसे हैं जिनके अंदर बोतल मैन्युअली फिलिंग होता है, एयर टाइट फिलिंग नहीं होता है, इस वजह से उनको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस तरह के मशीन्स और इस तरह की क्वालिटी अगर आपको लंबे टाइम तक आपको बिजनेस करना है तो आप इंडिया की कोई भी निमेटिक कंपनी से आप परचेज करिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे इंडिया की कोई भी कंपनी हो, आप उससे परचेज करके अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा एक ही विज़न है, राइट प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्शन और राइट क्वालिटी, ये हमारा विज़न है जो हम कस्टमर को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के मशीन के लिए अभी आपको इसमें एक चीज बेस्ट और आपको बताना भूल गया, इस मशीन को मैनुअल में भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअल पे ऑपरेट करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे बोतल आपका फिलिंग हो चुका है तो आपको इस मशीन को ऑपरेट करना है आपको मैनुअल पे। मैनुअल पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। पूरा मशीन अभी मैनुअल है, मैं सोडा इसका ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैनुअल सिस्टम है, आप इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैंने मैनुअली इसके अंदर से लिंक किया है। अभी कुछ भी आपका, जब तक मैं बटन प्रेस नहीं करूँगा तब तक आपका फिलिंग मैनुअल बेस के ऊपर ही फिलिंग आपको होगा। ये ऑटो मोड पे मैंने बंद करके मैनुअल पे ऑपरेट किया है। तो इस तरह का टू ऑप्शन मशीन के अंदर मैंने इनपुट किया है। तो इस तरह के मशीन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको इस तरह की मशीन के नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमें इस तरह का प्यार करते रहें। थैंक यू वेरी मच।